उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। वहीं सचखंड श्री हरमंदर साहिब में आने वाले श्रद्धालुओं की राह को रोकने में घनी धुंध असफल रही है। सचखंड श्री हरमंदर साहिब को घने कोहरे ने अपनी चादर में ओढ़ रखा है। इस दृश्य को देखकर यहां पहुंचे श्रद्धालु खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि जनवरी महीने में तो सभी लोग ठंड का मजा लेने हिल स्टेशनों की ओर जाते हैं, लेकिन यहां आकर उन्हें ये आभास होगा कि यदि कहीं स्वर्ग है तो यहीं पर है। सानू भाजी फोक पई है पर सानू इस दी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि असी आना चाहते सी ते असी इस प्लान आए हाँ भी जावांगे तो भाएं जो फोक होए या मीह पए या कोई होए असी गुरु घर जाना है तो जाना ही है। सानू इस गल की कोई यानी चिंता नहीं है तो ना सानू कोई दिक्कत आई है। सानू ठंड का कोई एहसास नहीं होया जी, गुरु की निघी गोद जाके सानू इस चीज़ का कोई फील नहीं होया भी इतने ठंड है या टैंपरेचर इन्ना हाई है जी। फोक पैन के नाल तो कोई फर्क नहीं पैंदा जी,